Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYBCOM semester 6 last 15 days strategy I will be telling you. So you can apply this strategy for last 15 days and make maximum utilization of this 15 days to score above 80% marks in the examination. So let's start the video. सो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू स्कोर अबाव 80% इन योर सेमेस्टर 6. तो 80% के ऊपर कैसे स्कोर कर सकते हैं हम, एंड ये 80% मिलाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो आज हम बात करेंगे. और ये अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपने प्रॉपर फॉलो किया तो आपको अच्छे परसेंटेज 101% मिलेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ डेज 15 हमारे पास बचे हैं. और अगर हम हर सब्जेक्ट को डिवाइड करें तो ऑन एन एवरेज हमें 3 डेज पर सब्जेक्ट मिल रहे हैं. तो अगर आप ये देखोगे कुछ तो 3 सब्जेक्ट्स पर डे काफ़ी कम है. उस 3 सब्जेक्ट्स में हमें रिवाइज भी करना है. उस 3 सब्जेक्ट्स उस 3 डेज में हमें ओवरऑल रिवाइज करके जो जो हमारा बैकलॉग्स है वो भी सारी चीज़ें पढ़नी है. तो नंबर सेकेंड पॉइंट देखते हैं. अब सेकेंड पॉइंट है फाइंड यूअर बैकलॉग्स ऑफ ईच सब्जेक्ट. तो हर एक जन का ये पॉइंट डिफरेंट होगा. किसी का अकाउंट्स पूरा पढ़ के हुआ रहेगा, किसी का थियोरी बाकी रहेगा. तो आप अपना अपना बैकलॉग्स ढूंढे. पहले आप ये ढूंढे कि आपका कितना सिलेबस कवर हो चुका है और कितना सिलेबस कवर करना आपको बाकी है. तो जितना भी सिलेबस आपका बाकी है पहले वो सारे पॉइंट्स को करें और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. सो जस्ट फाइंड योर बैकलॉग्स ऑफ ईच सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली. यूजुअली आई सी दैट बैकलॉग्स आपका थियोरी का ही होगा, प्रैक्टिकल तो आप प्रैक्टिस करते ही है. थर्ड पॉइंट में आते हैं. थर्ड पॉइंट है डिवाइड योर फुल डे इक्वली फॉर थियोरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. अब यूजुअली आप कॉलेज तो जाते नहीं होंगे तो आपका पूरा दिन जो भी है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले. आधा आपका पूरा दिन में से आधा आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हैं ताकि आप पूरे दिन में थियोरी पढ़ के बोर ना हो जाए. और बाकी जो आधा समय बचेगा वो आधा समय आप थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हैं. बट अगेन आई रिपीट, थियोरी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि लिए थियोरी सब्जेक्ट्स ही वो सब्जेक्ट्स है जो आपको अच्छे परसेंटेज के लिए हेल्प करेंगे. स्टूडेंट्स यूजुअली प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं, थियोरी इग्नोर करते हैं जिसके वजह से उनके परसेंटेज कम हो जाते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टारगेट स्टडी करें. बिकॉज यूजुअली वॉट हैपन्स, वी आर नॉट डूइंग टारगेट स्टडी. हम जितना भी पढ़ते हैं हम हमारे बेस पे पढ़ते हैं कि एक दो 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 तीन क्वेश्चंस हो गया, तीन चार क्वेश्चंस होने के बाद हम ये सोचते हैं आज तो बहुत पढ़ लिया तो कल थोड़ा रेस्ट करूँगा. तो ऐसे ना करें, बिल्कुल भी ऐसे ना करें. आपके 15 डेज ओवरऑल जो बाकी है अभी एग्ज़ाम से पहले, हर एक दिन एक एक घंटा इम्पॉर्टेंट है. टाइम को वेस्ट ना करें और बड़ा सोचें, और वो बड़ा सोचने के बाद ट्राई करें उसको अचीव करने के लिए. इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है, देखो, ड्रीम बिग एंड मेक इट हैपन. सो आपको बड़ा सोचना है और वो बड़ा सोचने के बाद उसको अचीव करने के लिए ट्राई करना है. दैट इज़ द टारगेट स्टडी. तो टारगेट स्टडी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यूजुअली गिव स्पेसिफिक टारगेट्स एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट्स विद इन द सर्टन टाइम पीरियड विच इज़ गिवन. देन और फिफ्थ और आखिरी स्टेप है रिविजन एंड ओनली रिविजन. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिविजन. लेकिन जैसे मैंने आपको ये चार स्टेप दिए हैं उसी बेस पे अगर आप चार स्टेप को पहले फॉलो करेंगे तो ही ये पांचवा स्टेप आएगा. रिविजन कब हो सकता है? जब हमारा पूरा सिलेबस पढ़ के होगा तब. तो इफ़ यू वॉन्ट टू रिवाइज यू नीड टू फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस. तो फाइंड आउट योर बैकलॉग्स, टारगेट स्टडी करो, सारी चीज़ों को पहले पढ़ो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद हम करेंगे रिविजन्स ताकि आपको एग्ज़ाम में जो भूलने का प्रॉब्लम होता है कि मुझे कुछ याद नहीं आया, मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े थे लेकिन पता नहीं चला एग्ज़ाम में आंसर के पॉइंट्स याद नहीं है, वो नहीं होगा. तो दीज आर ऑल द 7-5 पॉइंट्स रिलेटेड टू योर ट्रिक्स विच यू कैन फॉलो फॉर योर TYBCOM सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन. एंड आफ्टर फॉलोइंग ऑल दिस पॉइंट्स विल बी रेडी फॉर टुमारो. एज अगेन, ड्रीम बिग एंड मेक इट हैपन. सारी चीज़ों को प्रॉपरली करो, रिवाइज करो और अच्छे मार्क्स मिलने के लिए आपको ये सब हेल्प हो जाएगा. टिल देन ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.